जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के किसान परेशान हैं। पहले चरण की समस्याएं निस्तारित नहीं हुई हैं। दूसरे चरण में मुआवजा तय नहीं किया जा रहा। किसान ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे का खेल चल रहा है। किसान ज्यादा मुआवजे मांगने के लिए फील्डिंग बैठा रहे हैं। वहीं प्रशासन दाव पेच आजमा रहा है। किसानों से बच निकलने का, कम मुआवजा देने की जुगत भिड़ाई जा रही है। किस आधार पर दूसरे चरण के किसानों को दिया जाएगा मुआवजा, अभी तय नहीं है। प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है। प्रशासन को ही तय करना है धारा 26 के तहत दूसरे चरण का मुआवजा शासन की सहमति के आधार पर, लेकिन यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। किसानों में रोष है। किसानों की समस्याएं हल नहीं की जा रही। रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसानों की जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। किसान परेशान है, बेहाल है। किसानों का गुस्सा उबल पड़ा। शनिवार को किसान रघुपुरा में विधायक के घर के पास पंचायत करके बैठ गए। विधायक पंचायत में नहीं पहुंचे तो जेवर विधायक का घेराव कर लिया किसानों ने। किसानों के इस मुआवजे के खेल में विधायक ने गेंद डीएम के फाले में डाल दी। डीएम ने शासन के ऊपर डाल दिया कि मुआवजा शासन तय करेगा। डीएम ने आश्वासन दे दिया है कि इसे शासन को भेजेंगे। आखिर यह समस्या कब हल होगी? किसानों का मुआवजा कब तय होगा? कब उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा? पहले चरण के कई किसान ऐसे हैं जो आज तक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी रोही गांव में कुछ किसान रह रहे हैं। उनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा। कोर्ट में मामला चल रहा है। आखिर कब तक किसानों की समस्याएं हल होंगी? क्या हुआ है दिन भर विधायक और किसानों के बीच वार्ता का परिणाम? जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? किन गांव के रास्ते किसानों के लिए, आवागमन के लिए खोले जाएंगे? और क्या है इस संबंध में पूरी अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के गांव के किसानों की समस्याएं हल नहीं होने, दूसरे चरण का मुआवजा तय नहीं होने से किसान काफी परेशान थे। शनिवार को रोही, रनहेरा, बीरमपुर, आकलपुर, म्याना, नगला उकम सिंह, कुरैब, जानतपुर और नगला जाहनू के हजारों ग्रामीण जेवर विधायक के आवास पर पहुंच गए। विधायक के घर के पास पहले किसानों ने पंचायत की। पंचायत में विधायक नहीं पहुंचे तो किसान जेवर विधायक के कार्यालय चले गए और विधायक का घेराव किया। विधायक ने जिलाधिकारी से बात की और जिलाधिकारी के साथ किसानों की मीटिंग कराई गई। किसानों ने विधायक से मांग की हक दिलाने के लिए। विधायक ने डीएम से किसानों की बात रखी और डीएम ने शासन के ऊपर बात टाल दी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के गांव में किसानों की रजिस्ट्री बंद है। किसानों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि प्रशासन शासन जल्दी मुआवजा तय करे, ताकि किसान सहमति असहमति के आधार पर अपनी रणनीति बना सकें। लेकिन प्रशासन और शासन अभी तक दूसरे चरण के किसानों के लिए मुआवजे की राशि तय नहीं कर पाया है। किसान पहले ही असहमति दे चुके हैं। 6 महीने पहले ही किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था भूमि अधिग्रहण कराने के लिए और गांव का विस्थापन कराने के लिए। किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी मुआवजे की नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा। इस कारण किसानों में रोष है। जब तक मुआवजे की दर प्रशासन तय नहीं करेगा, तब तक किसान सहमति नहीं देंगे जमीन अधिग्रहण के लिए। इस संबंध में जेवर विधायक भी मुख्यमंत्री से अधिक मुआवजे की मांग कर चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बराबर ही यमुना प्राधिकरण के किसानों को मुआवजा दिए जाने की वकालत जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। इस संबंध में शासन ने कोई दिशा निर्देश प्रशासन को नहीं दिया है और प्रशासन का कहना है ये है, धारा 11 के बाद ही मुआवजे की दर तय की जाएगी और धारा 11 का प्रकाशन तब होगा जब किसान जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति दे देंगे। शनिवार को किसानों का जेवर विधायक के यहाँ पहुँचना और जेवर विधायक का किसानों को जिलाधिकारी के यहाँ लेकर पहुँचना, पूरे दिन रस्सा कसी चलती रही। किसान अपनी बात कहते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने कुरैब और नगला जाहनू के ग्रामीणों के लिए एयरपोर्ट की बाउंड्री के सहारे दयानतपुर तक सड़क मार्ग तैयार करने, वहीं रनेरा गाँव के किसानों के लिए बंकापुर के रजवाहे पर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। मुआवजे को लेकर शासन प्रशासन की नीति और इस संबंध में जो भी अपडेट होगा, हम लगातार आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी
न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा, अर्बन सेंटर सहित एनसीआर के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान में। सतीश शर्मा, जाफराबादी।